हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट की जो हमारी वीडियो थी, जो कि थी सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 9, तो उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था भाई? हाँ जी बिल्कुल, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ओके, उसके बारे में हमने कंप्लीट डिस्कशन किया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। ओके, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और ये मेरे हिसाब से लास्ट वीडियो होएगी सॉल्यूशन वाले चैप्टर की। इसके अंदर हमने क्वेश्चंस भी साथ में डिस्कस किए हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब आपने करना क्या है, ये लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की, तो इसके आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहना है। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट कर देना है कि मैम हमें ये क्वेश्चन नहीं आया, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने अपने चैनल पे जो है एक वोटिंग का सिस्टम डाला है, यानी कि कम्युनिटी टैब पे मैंने अपना एक पोस्ट डाला है, जिसके अंदर मैंने ये पूछा है कि आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो के बारे में पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट कौन सी वीडियो के बारे में आप स्टडी करना चाहते हैं, यानी नेक्स्ट कौन से चैप्टर के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, जिसके अंदर मैंने डाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डाला है, जिसके अंदर मैंने डाला है सरफेस केमिस्ट्री डाला है, केमिकल काइनेटिक्स डाला है, SPDF ब्लॉक्स डाले हैं। तो ये चैप्टर मैंने चारों के चारों डाले हैं, जो आपको पढ़ना है उस पर जाके वोट कीजिए। जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी क्लास 12th के लिए, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा वोटिंग जिस भी चैप्टर की होगी उसकी वीडियो मैं बनाना स्टार्ट कर दूंगी। एक तरीके से मुझे बहुत अच्छा सिस्टम लगा, बिकॉज उससे मुझे पता चल जाएगा आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है नेक्स्ट, वरना फिर मैं चैप्टर कोई और स्टार्ट कर देती हूँ, आपका पढ़ने का मन कोई और चैप्टर का होता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सही सिस्टम है। ओके, तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि जो वीडियो हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे, ठीक है, उसमें बाय चांस फॉर एग्जांपल हमारा SPDF ब्लॉक आ जाता है, बिकॉज अभी मुझे रेटिंग जो है सबसे ज़्यादा SPDF ब्लॉक की लग रही है, तो आपके S ब्लॉक का अलग चैप्टर है, P ब्लॉक मतलब S और P अलग चैप्टर है, DF ब्लॉक अलग चैप्टर में है, तो हम उन चारों को ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि SP पहले पढ़ लिया DF बाद में पढ़ेंगे, नहीं, SP DF मैंने साथ में डाला, इसका मतलब चारों के चारों साथ में पढ़ेंगे, तो उस अकॉर्डिंग भी वोटिंग करिएगा। ओके, तो अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। आपको एंगल आज कुछ चेंज लग रहा होगा, वो इसलिए बिकॉज आज मैं वीडियो जो बना रही हूँ वो ट्राईपॉड स्टैंड से बना रही हूँ बकायदा, बिकॉज मैंने अभी परचेज़ किया है इसे। ओके, तो आप बता दीजिएगा आपको ये एंगल सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ओके, कॉमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा आपको एंगल ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा, या पहले वाला सही लग रहा था तो मैं उससे भी बना दूंगी। ओके, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअल में होता क्या है। तो उसके लिए देखिए, द टेम्परेचर at which the vapor pressure of substance in its liquid phase is equal to the vapor pressure of solid substance, यानी एक ऐसा temperature जिसमें substance की liquid phase का vapor pressure और solid phase का vapor pressure जो है वो क्या हो, equal हो, वो जो point आ जाता है तो जो हमारा कोई कह सकता है substance जो है वो freeze होना शुरू हो जाता है, या हम कह देते हैं कि उस substance का freezing point जो है आ गया है। ओके, समझ आ गई ये चीज़। सो अ सॉल्यूशन व्हेन फ्रीज सो अ सॉल्यूशन विल फ्रीज व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इक्वल्स व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हमें पता है सॉल्यूशन के अंदर हम क्या डालते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, तो जैसे ही क्या होगा वो सॉल्यूशन फ्रीज होना कब शुरू होगा, जैसे उसके अंदर जो हम सॉलिड सॉल्वेंट डाल रहे हैं वो और जो हमारा सॉल्यूशन है वो दोनों का जो वेपर प्रेशर होगा बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा, तो वो जो कंडीशन होती है वहाँ पे फ्रोजन यानी कि सब्सटेंस जो है हमारा फ्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये जो आपको ग्राफ दिखा है ये पीछे जो है डिप्रेशन इन सॉरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है उसके अंदर भी बिल्कुल सेम यही ग्राफ है, यहाँ पे लिक्विड सॉल्वेंट सॉल्यूशन और यहाँ फ्रीजिंग की जगह पे आ जाएगा बॉइलिंग, ठीक है, और बाकी T0F की जगह हमने बॉइलिंग में क्या पढ़ा था, TB पढ़ा था हमने। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट चीज़। देखिए इस ग्राफ के अंदर आपको ये वाली चीज़ जो है ये मैं आपको अभी समझा दूंगी, पहले देखिए इस ग्राफ में वेपर प्रेशर और मैंने टेम्परेचर के अलोंग जो है एक ग्राफ ड्रॉ किया है, जिसमें कोई भी लिक्विड सॉल्वेंट है उसका हमने जो है वेपर प्रेशर देख लिया है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देख लिया है। एक कंडीशन ऐसी आई है कि जब दोनों का वेपर प्रेशर जो है वो बिल्कुल मैच हो गया है, वो कंडीशन जो होगी वो फ्रोजन सॉल्वेंट हो गया, यानी इसकी फ्रीजिंग पॉइंट आ गया है, ठीक है, ये होगी TF, इसको T0F लिखा जाएगा, दोनों का जो डिफरेंस होगा यानी TF और T0F को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, ΔTF यानी चेंज जो है वो ΔTF से डिनोट किया जाएगा।
तो आप देखिए टी नॉट एफ, टी नॉट एफ क्या है, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट, टी नॉट एफ बी दी प्योर सॉल्वेंट, यानी टी नॉट एफ जो हम ले रहे हैं वो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, प्योर सॉल्वेंट का, टी एफ बी दी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, डिजॉल्व इन इट। अभी एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ जो मैं हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में रिपीट कर रही हूँ कि जब भी किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट में या फिर डाला जाता है सॉल्यूशन के लिए तैयार किया जाता है तो हमेशा उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है बिकॉज जो हमने सॉल्यूट लिया है वो क्या है हमारे पास में नॉन वोलेटाइल है। ओके तो टी एफ जो है वो क्या लेते हैं हम, टी एफ को ले रहे हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व इन इट। ओके ये तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हो गया और ये सॉल्यूट का। अब देखिए हमें पता है कि यहाँ डेल्टा आएगा, डेल्टा टी एफ का मतलब क्या है भाई, डेल्टा टी एफ जो है वो कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज़ नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी ये इक्वेशन जो है ये रिस्पॉन्सिबल रहती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में कैलकुलेट। डिप्रेशन का मतलब ही क्या होता है, लॉरिंग होता है एक तरीके से डिप्रेशन, वैसे तो हम नॉर्मल लाइफ में कोरिलेट नहीं कर सकते इसको, ये जो वर्ड है डिप्रेशन इसको नहीं कर सकते बिकॉज डिप्रेशन इज़ लाइक यू नो हम लोग कोई चीज़ से परेशान हो जाते हैं या फिर टायर्ड अप हो जाते हैं, फिर थक जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाता है, वो होता है एक तरीके से। इसमें इस लाइन के अंदर डिप्रेशन का मतलब है लॉरिंग। ओके लॉरिंग का मतलब यानी कम कर देना, डाउन कर देना। ओके तो यहाँ पे क्या है भाई, टी एफ क्या है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सिमिलरली टू द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के ही अकॉर्डिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलालिटी के, किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोलालिटी के। तो डेल टी एफ जो है हमारा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, डेल टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ एम, के एफ एम, के एफ को देख के कुछ याद आ रहा है, बिल्कुल जो हमने किया था, हमने जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किया था उसके अंदर आया था के बी, यहाँ पे के एफ की जगह आया था के बी, बिल्कुल सारा सिस्टम वही है। अगर आपको वो याद हो जाएगा तो ये भी आसानी से कर सकते हैं आप, ठीक है। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है वो हटके आ गया हमारे पास में के एफ। ओके जो हमने पीछे के बी किया था उसको क्या 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 कहा गया था, उसको कहा गया था इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, इसमें इसको कहा जाता है, दो तीन नेम थे उसके भी देख लेना आप लोग, के बी जो है उसको कहा जाता है के एफ जो उसको कहा जाता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑब्वियसली, और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर कहा जाता है कायरोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। बिल्कुल इसकी डेफिनेशन भी वही होगी जो डेफिनेशन हमने ई बी के लिए की थी। ओके चेंज क्या करना है आपको, सिर्फ बॉइलिंग और फ्रीजिंग का चेंज करना है। ओके अब देखिए हमें पता है मोलालिटी क्या होती है, W2 टू बाई एम टू अपॉन डब्ल्यू वन अपॉन थाउजेंड, ठीक है, हम मोलालिटी को ऐसे कैलकुलेट करते हैं। इसको मुझे नहीं लगता ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है बिकॉज ये वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी और वो ये वाली वीडियो, मतलब जिसने चैप्टर की स्टार्टिंग बेसिक नहीं देखी और सीधे इस वीडियो पे आ गए हैं वो बहुत गलत काम कर रहे हैं भाई, पहले स्टार्टिंग वीडियो देखिए। ओके मोलालिटी को कैलकुलेट इस तरीके से किया जाता है, फॉर्मूला जो होता है मोलालिटी के लिए ये होता है, हम इस मोलालिटी की जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर जो कि है ये, इसमें मोलालिटी की जगह हम प्लेस कर देते हैं किसको, इसको। ओके जैसे ही हमने प्लेस किया सब्स्टिट्यूट किया वैल्यू को तो हमारे पास में डेल टी एफ आया के एफ इंटू, के एफ क्या है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, इंटू डब्ल्यू टू एम टू अपॉन डब्ल्यू वन इंटू थाउजेंड, इसको रीअरेंज करके हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं डेल टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ डब्ल्यू टू इंटू थाउजेंड अपॉन एम टू इंटू डब्ल्यू वन, ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत नॉर्मल है। इसके अंदर एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए कि कौन सी चीज़ क्या है, और मतलब W2, WM क्या है, W2, W1 या फिर M1 क्या है वो आपको पता होना चाहिए, वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया बिकॉज इट वाज जस्ट अ नॉर्मल थिंग, मतलब ये बहुत नॉर्मल है, आपने पीछे मोलालिटी की है तो आपको पता होना चाहिए, पर एक बार फिर से देख लीजिए यहाँ पे Kf जो है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, W2 जो है, W2 हमें पता है ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मतलब वेट ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट कितना लिया है हमने, M2 जो है वो क्या है हमारा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये तो है वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, W1 क्या है भाई हमारा ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, ये हो गया है हमारा कंप्लीट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं।
चलिए अब देखते हैं हम हमारी नेक्स्ट पॉइंट को, जो कि है ऑस्मोसिस, या फिर हम इसे कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसके लिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, बिकॉज़ ये हम साथ साथ पढ़ेंगे तभी आपको समझ आएगा। चलिए भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले एक दो टर्म्स या फिर एक दो नॉर्मल चीज़ें समझ लेते हैं। हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी हैं, बहुत से ऐसे घर पे हमने एग्जांपल्स देखे हैं जो कि क्या है, हमारी इसी ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर ऑस्मोसिस से रिलेटेड हैं, जो हम नॉर्मल लाइफ में जो है नॉर्मल एग्जाम्पल्स देखते ही हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या है, हम जो कच्चे मैंगोज होते हैं जिनको हम बोलते हैं कैरी, ठीक है, उनका हम पिकल या फिर अचार बनाते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, उसके अंदर भाई हम नमक वगैरह डाल के रखते हैं। ठीक है, उसको हम ब्राइन में डालते हैं। ब्राइन आपका वर्ड यूज़ किया होगा एक आपकी बुक के अंदर, ब्राइन। ठीक है, ब्राइन जो है ये यूज़ किया जाता है सॉल्ट वाटर के लिए, सॉल्ट वाटर के लिए। ठीक है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, सॉल्ट वाटर, यानी होता क्या है, हम उसके अंदर नमक डालते हैं, नमक का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर में और में मतलब डालते हैं उनको, हम मोस्टली जो है हम इसी के लिए इसको जो है कच्ची कैरी को या फिर क्योंकि कैरी को हम उसके अंदर डालते हैं, अचार वगैरह जब बनाते हैं तो हमें पता है वो थोड़ी बहुत फूल जाती है। ठीक है, इसी तरीके से ब्लड वेसल्स जो है, अगर नमक के पानी में सलाइन वाटर में अगर उनको डाल दिया जाए तो वो भी फूल जाती हैं। ठीक है, ये प्रोसेस हमने देखा ही होगा। हम क्या करते हैं, चने वगैरह जो होते हैं पानी में भिगोते हैं, वो भी फूल जाते हैं, स्वॉलन अप हो जाते हैं। तो ये सारे जो प्रोसेसेस होते हैं ये रिलेटेड होते हैं ऑस्मोसिस से। ठीक है, यानी होता क्या है, इन सबको समझाने के लिए एक चीज़ बताई गई कि जब भी इस तरीके का प्रोसेस होता है तो इस तरीके के प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी एक चीज़ दूसरी चीज़ में, फॉर एग्जांपल हमने सलाइन वाटर के अंदर अगर मान लेते हैं किसी चीज़ को ब्लड वेसल्स भी रखी हुई हैं, तो वो उसके जो ब्लड वेसल्स है फूल स्वॉलन अप किस वजह से हो रही है, ऑब्वियस बात है उसके अंदर वाटर चला गया होगा। ठीक है, जो सलाइन वाटर है वो चला गया होगा, तो उनको उसको एंटर करने के लिए जो एक चीज़ प्रेजेंट होती है उसको कहा जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको कहा जाएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, ये जो मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है, ये एक्चुअली में होता क्या है कि इसका नाम ही ये है सेमी परमिएबल, यानी ये हर चीज़ को परमिट नहीं करती है एंटर करने में। सेमी का मतलब ही क्या है, सेमी मतलब हाफ होता है, यानी कुछ ही चीज़ों को क्या करती है, परमिएबल परमिट करती है अंदर जाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बनी किस चीज़ की होती है, ये या तो वेजिटेबल्स ओरिजिन होती है, यानी वेजिटेबल्स जो होते हैं हमारे उसकी बनी हुई होती है, या फिर एनिमल्स के कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं उनसे बनी होती हैं। ठीक है, पिग्स के ब्लैडर से बनी होती है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन भी इसको बोलते हैं, तो बहुत सी चीज़ों से ही बनी होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होल्स या फिर पोर्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है, क्या होते हैं, होल्स या फिर पोर्स प्रेजेंट होते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जो हर एक चीज़ को, ऑब्वियसली बात है माइक्रोस्कोपिक है तो मैक्रोस्कोपिक चीज़ों को अलाउ ही नहीं करेंगे अंदर जाने को, तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सब माइक्रोस्कोपिक होल्स या फिर यूँ कहें पोर्स से बनी होती हैं। तो अब इसमें से कौन से मटेरियल्स जो है वो पास आउट हो सकते हैं, जैसे कि वाटर है, वाटर पास आउट हो सकता है। ठीक है, और बहुत से माइक्रोस्कोपिक चीज़ें पास आउट हो सकती हैं, बिगर मॉलिक्यूल जो होंगे जैसे कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पास आउट नहीं होते हैं। ठीक है, ओनली एंड ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स या फिर यूँ कहें माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो पास आउट होंगे। ऐसी मेम्ब्रेन जो होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टी के जो मेम्ब्रेन होती है उनको कहा जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में SPM भी जो है लिखा जाता है। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। चलिए हम एज्यूम करते हैं कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो पास आउट हो रहे हैं। ठीक है, हम एक बार एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास में क्या है, एक ऐसा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसके अंदर से क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो पास आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो होगा क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जब इस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास आउट करेगी, हम क्या करते हैं, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूशन के बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को प्लेस करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे, ये है प्रोसेस। ठीक है, हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन और एक सॉल्वेंट जो है इन दोनों के बीच में एक तरीके से एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। ये जो मैंने यहाँ लगाया है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले इतना समझ लीजिए। मैंने क्या किया, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, और मैंने ये अज्यूम किया है कि ये जो अज्यूम क्या किया है, मैंने ऐसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ली है जो सॉल्वेंट को पास आउट करवा रही है। ठीक है,
जैसे मैंने इन दोनों के बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई, ये सॉल्वेंट जो है ये यहाँ से यहाँ पास आउट हो रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो रहे हैं। इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट जो है यहाँ से यहाँ पास आउट हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ मूव हो रहे हैं। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट जो होता है इसको कहा जाता है ऑस्मोसिस। ठीक है, यानी कि कंटिन्यूस फ्लो जो होता है इस सॉल्वेंट का, इस सॉल्यूशन के अंदर, इसको कहा जाता है ऑस्मोसिस। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक इक्विलिब्रियम जो है दोनों तरफ अटेन नहीं हो जाता। ठीक है, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम वन साइड टू सॉल्यूशन साइड अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कैन बी स्टॉप्ड। अब इस फ्लो को यहाँ से यहाँ जो ये जा रहा है, इस फ्लो को हम कब रोक सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, जब एक जगह को हम ब्लॉक कर दें, या यूँ कहें कि एक जगह का हम प्रेशर जो है वो ज़्यादा अप्लाई कर देते हैं। अब मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे, एक सेकेंड, ये पता नहीं मैंने यहाँ पे क्या किया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाया जो है, मतलब मैंने अपना यहाँ पे एक प्रेशर लगा रखा है नॉर्मल। ठीक है, ओके, मैंने यहाँ पे प्रेशर लगाया हुआ है सॉल्वेंट पे, और मैंने यहाँ पे उतना ही प्रेशर लगाया हुआ है सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, सॉल्वेंट हमारा सॉल्यूशन के अंदर मूव हो रहा है। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया ऑस्मोसिस का, यानी जब मेरा सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूशन के अंदर मूव हो रहा है, तो ये जो मेरा प्रोसेस है ये क्या हो गया, ऑस्मोसिस हो गया। अब मैंने क्या किया, इस प्रेशर के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा प्रेशर भी लगाया। ठीक है, कुछ और एक्स्ट्रा प्रेशर भी लगाया, जिस वजह से मैंने क्या किया, इसको ब्लॉक कर दिया यहाँ पे आने को। यानी कि द प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन, इस प्रेशर को, जो प्रेशर मैंने यहाँ पे रोका है, इस प्रेशर को जो मैंने यहाँ पे लगाया है, इस एक्स्ट्रा प्रेशर को जो मैंने यहाँ लगाया है इस सॉल्यूशन साइड पे, ताकि सॉल्वेंट जो है वो यहाँ मूव ना कर सके, इस एक्स्ट्रा प्रेशर को क्या कहा जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ आया आपको? ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, मैंने क्या किया, एक मिनट, पहले मैं इसको लिख देती हूँ। मैंने क्या किया, सबसे पहले नॉर्मल सॉल्वेंट और सॉल्यूशन लिया, उनके बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, दोनों पे इक्वल प्रेशर लगाया, जिस वजह से सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूशन के अंदर मूव हो रहा था। अब मैंने क्या किया, इस सॉल्यूशन वाले पे जितना पहले प्रेशर लगाया था सॉल्वेंट वाले पे, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया। एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने की वजह से यहाँ प्रेशर बढ़ गया, तो इस वजह से सॉल्वेंट जो है यहाँ मूव नहीं कर पा रहा था। ठीक है, यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो पा रहा था। ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर मैंने लगाया, इसी को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस जिसने रोका वो हो गया इसका ऑस्मोटिक प्रेशर। यही चीज़ आपको नॉर्मल समझानी थी। एक चीज़ और समझनी है, हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर जो होती है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और हमें पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, सॉल्यूट पे, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है, ना कि आइडेंटिटी ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स पे। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि, पहले तो ये जान लो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इसको किससे डिनोट किया जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो इसका साइन होता है वो होता है पाई। ठीक है, पाई से इसको डिनोट किया जाता है, और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो इक्वल होता है किसके, मोलैरिटी के। यहाँ पे देखिए, मोलैरिटी एम से डिनोट नहीं की गई है, सी से डिनोट की गई है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज अबाउट इट। मोलैरिटी की इक्वल होती है, ठीक है, किसके, सॉल्यूशन के मोलैरिटी की इक्वल होती है। टेम्परेचर के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और आर जो है वो है गैस कांस्टेंट, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, समझ आ गया हम, किसकी इक्वल होती है मोलैरिटी के, और किसकी इक्वल होती है टेम्परेचर, और जो हमारी गैस कांस्टेंट है उसके। अब देखिए, हमें पता है मोलैरिटी को किससे डिपेंड करते हैं, डिनोट करते हैं मोल्स बाय वॉल्यूम। ठीक है, मोल्स बाय वॉल्यूम, मोल्स जो ले रहे हैं हम, इसको मैं एन टू डिनोट कर देती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा RT, जहाँ पे N2 जो है वो क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेयर एज V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, समझ आ गई ये चीज़, मोलैरिटी जो है मोल्स अपॉन वॉल्यूम हो गया। हमें पता है मोल्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, भाई मोल्स हमें पता है वेट, ऑब्वियसली वही था वेट अपॉन में मोलर मास, तो N2 लिया है यहाँ पे, तो ये W2 M2 हो गया, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो इसको मोल्स वाला जो है, यानी कि N2 जो है, ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास में क्या आएगा, ये आ जाएगी W2 इंटू RT अपॉन में M2। आ गई समझ? ठीक है, हो गया नॉर्मल, इंटू वॉल्यूम भी आएगा यहाँ पे।
ठीक है, अब देखिए नॉर्मल सी चीज़ है कि अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, किस पे डिपेंड कर रही है, मोल्स ऑफ सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट, या फिर यूँ कहें मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रही है। देन वेट ऑफ सॉल्यूट आर टी, आर इज द गैस कॉन्स्टेंट, टी इज द टेम्परेचर, देन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, समझ आ गई। यानी हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो नॉर्मली किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये है हमारा ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर, स्टार बना लीजिए इस पे, ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है हमारे पास में, वो आता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है, ऑस्मोसिस का रिवर्सल प्रोसेस जो होता है उसको बोला जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। चलिए इसे समझते हैं, चलिए अब हम समझते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस क्या, ऑब्वियस सी बात है ऑस्मोसिस का रिवर्सल प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा, इफ द प्रेशर लार्जर देन हाँ भाई, तो रिवर्स ऑस्मोसिस के इफ द प्रेशर लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाई टू द सॉल्यूशन साइड, यानी कि जब क्या किया जाए, सॉल्यूशन साइड पे ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर लगाया जाए, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो हमारा सॉल्वेंट होता है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है, बहना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है ये होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, देखिए मैंने इसमें यहाँ पे एग्जांपल ड्रॉ किया हुआ है या फिर डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, फ्रेश वाटर जो है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्योर वाटर है, में कोई भी तरीके की कोई मिक्सचर नहीं है, वो हुआ हमारा सॉल्वेंट। सॉल्ट वाटर जो है ऑब्वियस बात है उसके अंदर क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर, तो एक तरीके का सॉल्यूशन हो गया वो हमारा। हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन वाली साइड पे प्रेशर जो हमने पहले लगाया था, यानी हमने ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमारा लगाया था पाई जिसको मैंने कहा था, उस ऑस्मोटिक प्रेशर से बहुत ज़्यादा प्रेशर जब लगा देंगे, जैसे मेरा यहाँ पिस्टन है, ये मैंने इस पे प्रेशर बहुत ज़्यादा लगा दिया है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा लगाया, तो उस कंडीशन में जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या होगा, मतलब ऑस्मोसिस में तो क्या होता है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन की तरफ मूव करने लग जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा, ये तो हो गया ऑस्मोसिस, लेकिन होगा क्या, इसके अंदर उल्टा हो जाएगा, इसके अंदर हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ आना शुरू हो जाएगा और हमारा सॉल्वेंट जो है वो यहाँ बहना शुरू हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन होती है ये होती है दिस इज़ कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी कि इसमें प्योर सॉल्वेंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो पास आउट करवाना शुरू करवा देगी किसको, सॉल्यूशन को। ये है हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस का नॉर्मल सा प्रोसेस, या फिर यूँ कहें नॉर्मल सा एग्जाम्पल। ठीक है, जो हमारा प्रेशर है रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, मतलब यूँ कह सकते हैं कि सेल्यूलोज, या फिर यूँ कहें कि जो हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है उस पर उतना ज़्यादा प्रेशर लगता है, वो कई बार क्या होती है, इम्परमीएबल भी हो जाती है इतने ज़्यादा प्रेशर की वजह से, जिस वजह से वो क्या करती है, जिस वजह से वो हमारे सॉल्यूशन को यहाँ पे जो है पास आउट करवाना शुरू कर देती है। ठीक है, अब एक चीज़ और बता देती हूँ आपको, कुछ प्रोसेसेस आते हैं आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। ठीक है, ये कुछ प्रोसेसेस आते हैं, कुछ डेफिनेशंस आती हैं किसके अंदर, ऑस्मोसिस के अंदर। ठीक है, ये समझ लीजिए क्या होती हैं। चलिए भाई सबसे पहले समझते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं, पहले तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ऑस्मोसिस जो है इसके लिए बहुत सब ये डेफिनेशन भी मतलब सोच रहे होंगे कि मैम कहेंगी कि इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम, या फिर यूँ कहें कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट from lower movement of solvent from lower concentration टू हायर कंसनट्रेशन। तो ये तो मैंने जब आपको बताई है मूवमेंट ऑफ लोअर कंसनट्रेशन, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन, ये तो चीज़ मैंने जब आपको बताई है कि एक्चुअली में हमारा ऑस्मोसिस जो होता है वो क्या हो रहा है, एक सॉल्वेंट सॉल्यूशन भी चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन जो होएगी वो सॉल्यूशन की कंसनट्रेशन से क्या होएगी, कम ही होएगी, हायर कंसनट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में, तो वो चीज़ में उसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बात है वो। ओके, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। ओके, अगर आप ये डेफिनेशन ले रहे हैं तो ये भी सही है, ये भी कोई प्रॉब्लम वाली है, गलत नहीं है आपकी, कि ऑस्मोसिस जो है इज द मूवमेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू सॉल्वेंट, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ओके,
ठीक है। अब देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो क्या हो रहे हों, जिनमें मतलब दो सॉल्यूशंस को हम ले रहे हों, सॉल्यूशन नंबर वन और सॉल्यूशन नंबर टू, तो इन दोनों सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बिल्कुल सेम हो, ऐसे सॉल्यूशन जो होते हैं उनको कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। दो सॉल्यूशंस के बीच में ही कंपैरिजन होता है इसका, ओके। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें एक सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो तो क्या हो, ज़्यादा हो, या फिर यूँ कहें कि एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर तो कम हो और दूसरे वाले का ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल वन और टू हमने ये है, यहाँ वन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो और टू का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या हो, कम हो। तो ये हमारा कौन सा होता है भाई, ये हमारा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इनके अंदर ये जो हमारे सॉल्यूशंस होते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, उनके अंदर क्या होता है, मोस्टली सॉल्ट कंटेंट जो होता है हमारा, या फिर यूँ कहें कि जिसमें सॉल्यूट जो प्रेजेंट होते हैं हमारे, वो सॉल्यूट जो होते हैं वो कम होते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो होते हैं उनके अंदर सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होता है, इनके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, जबकि इनके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होती है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो होती है वो कम होती है, ओके समझ आ गई। नॉर्मल डिफरेंस जो है सेम, सो आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो होते हैं इनके अंदर सेम होती है सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, सेम सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो आप इससे भी इसको ध्यान रख सकते हैं, बहुत नॉर्मल सा कंसेप्ट है ये, ओके। चलिए अब देखते हैं हम हमारा आगे का जो प्रोसेस आता है उसके बारे में। चलिए भाई अब हम देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो कि है एबनॉर्मल मोलर मास, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब होता है कुछ गड़बड़ होना या फिर कुछ जो है प्रॉब्लम आना, नॉर्मल जो मोलर मास होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम आना, एबनॉर्मल का मतलब हम यही कहते हैं, ओके। तो सबसे पहले ये समझिए कि कोई भी हमने आयनिक कंपाउंड लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने KCl लिया है, ठीक है। KCl को हमने किस में डिजॉल्व कर दिया, वाटर के अंदर। जैसे हम KCl को वाटर में डिजॉल्व करेंगे दो आयन्स में ब्रेक होगा, K पॉजिटिव और Cl माइनस आयन के अंदर, ठीक है। हमें पता है इसका मोलर मास कितना होगा, सॉल्यूशन में जब ये प्रेजेंट होगा तो इसका मोलर मास कितना आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता है, मतलब फॉर एग्जांपल हमने कोई भी और तरीके का हमने आयन जो है किसी भी सॉल्यूशन में डाल दिया है तो हमें पता है कि उसका मोलर मास कितना आ रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया है यहाँ पे, हम ले लेते हैं एग्जांपल इथेनोइक एसिड का, एसिटिक एसिड जिसको आप बोलते हैं। तो ये मैंने लिया है CH3COOH, ठीक है। मैंने इसको जैसे ही क्या किया, हीट दी, हीट प्रोवाइड किया, इसको मैंने अलग किया, तो मेरे पास यहाँ पे हीट प्रोवाइड करने के बाद में दो मॉलिक्यूल्स बन गए एसिटिक एसिड के, इथेनोइक एसिड के, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, और इसका मोलर मास जितना यहाँ होना चाहिए था उससे करीबन करीबन चेंज हो गया, या फिर यूँ कहें कि मैंने उल्टा बता दिया, सॉरी। जैसे ही मैंने क्या किया, दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं इसके एसिटिक एसिड इथेनोइक एसिड के, उनको कंबाइन किया तो मेरे पास यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स इस तरीके से बन गए। यानी कि होता क्या है, इसके यहाँ पे जो मोलर मास था उससे थोड़ा मोलर मास यहाँ चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए होता क्या है, हमारा जो एसिटिक एसिड है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से कुछ होता है, ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आ गया OH, ठीक है। अब ये वाला जो ऑक्सीजन होता है ये दूसरे मॉलिक्यूल के, दूसरे इथेनोइक एसिड के हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या है, कनेक्टेड होता है, ओके। अब ये आ गया मेरे पास में यहाँ ऑक्सीजन, और ये वाला हाइड्रोजन जो है ये इस ऑक्सीजन के साथ में कनेक्टेड होता है। ऑब्वियसली आपको पता होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो एक तरीके का अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसी को कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का नहीं कह सकते, हाइड्रोजन से लेस, हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो जब उसके हाइड्रोजन के साथ में जुड़ता है और एक तरीके से अट्रैक्शन फोर्स लगाता है उसी को कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम जो है जब भी जुड़ता है हाइड्रोजन के साथ में तो वो हाइड्रोजन के उसके बीच में अट्रैक्शन होती है एक तरीके से, वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। तो होता क्या है कि जो हमारा इथेनोइक एसिड होता है वो जैसे ही मॉलिक्यूल उसका सॉल्यूशन बनता है तो सॉल्यूशन के अंदर नॉर्मल अगर हम उसको सॉल्वेंट स्टेट के अंदर ले रहे हैं तो वो उसका मोलर मास फिक्स होता है। जैसे ही हम उसको सॉल्यूशन स्टेट के अंदर, ये हमारी सॉल्यूशन स्टेट हो गई है, जैसे ही हम उसको सॉल्यूशन स्टेट के अंदर लेते हैं, सॉल्यूशन स्टेट में लेते हैं, उसका मोलर मास चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि दो मतलब यूँ कहते हैं कि जैसे वो मिक्स होता है वाटर के साथ में, फिर यूँ कहें कि सॉल्यूशन स्टेट में आता है तो इथेनोइक एसिड क्या करना शुरू करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने लग जाते हैं। ये
गया हमारे पास में एक इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला और ये हो गया एक हमारे पास में दूसरे इथेनोइक एसिड का। यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो चेंज आता है एक तो सॉल्वेंट स्टेट से सॉल्यूशन स्टेट में मोलर मास के अंदर जो ये चेंज आता है इसी को कहा जाता है एबनॉर्मल मोलर मास। यानी कि हम कह सकते हैं जो एक्सपेक्टेड मोलर मास होता है उससे जब चेंज आने लग जाता है, उसमें जब चेंज होने लग जाता है तो उसको कहा जाता है एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, एमएम का मतलब मोलर मास ही है। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो भी बता देती हूँ। सबसे पहले जो है इसको 1880 के अंदर वैंट हॉफ ने इंट्रोड्यूस किया था और इसको जो है 1880s के अंदर वैंट हॉफ ने जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था और उसने इसका साइन दिया था आई। ठीक है, स्मॉल आई जो है उससे डिनोट किया था और उसके लिए इसने फॉर्मूला लाना था नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। यानी जितना इसका नॉर्मल मोलर मास होना चाहिए, ठीक है, एबनॉर्मल मोलर मास उससे डिवाइड कर देते हैं हम इसको एबनॉर्मल मोलर मास को, या फिर हम इसको कह सकते हैं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सीपी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ओके, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये जो है कंप्लीट आया हमारा डेफिनेशन किसकी, इसकी वेंट ऑफ फैक्टर की, या फिर यूं कहें इसको वेंट ऑफ फैक्टर भी बोला जाता है बहुत बार, ओके, या फिर यूं कहें एबनॉर्मल मोलर मास को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो इसका आया था वो था कि भाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन, डी डबल एस से शो कर रही हूँ, डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन। देखिए, यानी कि जितने भी मोल्स ऑफ पार्टिकल पार्ट ले रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्ट ले रहे हैं आफ्टर एसोसिएशन या फिर किसी, मतलब यूँ कहते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा हो, तो जितने नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल्स पार्ट ले रहे हैं आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, वो हो जाता है हमारा वेंट ऑफ फैक्टर या फिर जिसको हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। तो अब इसकी हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर कैलकुलेट करनी हो, फॉर एग्जांपल हमें कैलकुलेट करना हो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है तो उसका हमारा फॉर्मूला क्या था भाई, जिसको हमने डिनोट किया था डेल टी बी से, तो इसका हमारा फॉर्मूला था के बी इंटू एम, मोलैलिटी जिसे हमने लिया था। तो अगर हमें इसे एबनॉर्मल इसके अंदर मोलर मास कैलकुलेट करना है तो ये इंटू आई हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल है। इसी तरीके से अगर हमें डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना हो, ठीक है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना हो जिसको हमने डिनोट किया था डेल टी एफ से, तो इसको हमने लिखा था के एफ जो कि था हमारा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू एम, तो इसमें भी जब हमें एबनॉर्मल मोलर मास कैलकुलेट करना होगा तो इनटू आई हो जाएगा। इसी तरीके से हमने किया था ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर हमने इसको डिनोट किया था पाई से, पाई हमारा कैलकुलेट करने का तरीका था एन टू बाई वी इंटू आर इंटू टी, ठीक है, तो इसमें भी हमारा एबनॉर्मल मास में इंटू आगे आई लग जाएगा। ठीक है, दूसरा था हमारा आर एल वी पी जो कि सबसे पहले था, लास्ट जो आ रहा है मैंने यहाँ पे लास्ट डिनोट किया, सबसे पहले किया था हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था पी वन नॉट माइनस पी वन अपॉन पी नॉट वन, ठीक है, इज इक्वल्स टू एन टू अपॉन एन वन, तो इस एन टू अपॉन एन वन के साथ में आई इंटू हो हम एबनॉर्मल मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। किस कंडीशन के अंदर हमारे, जब हमें हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करनी हो। ये हो गई है मेरी लास्ट पार्ट सॉल्यूशन का, वीडियो का लास्ट पार्ट हो गया है मेरा, यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट होता है। अब जब मैं 2 या 3 दिन के बाद नेक्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन का अपलोड करूँगी, सॉरी नेक्स्ट वीडियो जब मैं क्लास 12th के लिए अपलोड करूँगी, तो उसमें कौन सा चैप्टर मुझे अपलोड करना है वो मैंने जो अभी कम्युनिटी टैब में पोस्ट डाला हुआ है उसकी हाइएस्ट परसेंटेज के अकॉर्डिंग अपलोड करूँगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए,
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ वीडियो देख के जाने के बाद में लाइक बटन जो है, जो थम्स अप वाला है, उसको प्रेस करके मत भूलना, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका उसको प्रेस करना। बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने के अंदर, ऑब्वियसली हर वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ 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 लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि मैम हमें ये प्रॉब्लम है, उसका मैं सॉल्यूशन ज़रूर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलना। बाय बाय।